दोस्तों आज मैं आपको YT स्टूडियो का एक हिडन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूं, जिससे अगर आपकी वीडियोस पे 10 से 15 व्यूज आते हैं या फिर बहुत सारे चैनल्स पे मैं देखता हूं 2 से 4 व्यूज आकर ही रुक जाते हैं, तो उन लोगों को इस सेटिंग के बारे में पता ही नहीं होता। तो मैं आज आपको उस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि जब भी आप वीडियोस को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के 12 से 24 घंटे के बाद आपको इस सेटिंग को YT स्टूडियो में जाकर ऑन करना पड़ता है। अगर आप इस चीज को नहीं करते हैं तो, क्योंकि YouTube जो है 12-24 घंटे के बाद इंप्रेशंस देना बंद कर देता है आपकी वीडियोस पे, और अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं तब जाके आपके वीडियोस पे इंप्रेशंस बढ़ेंगे, और इंप्रेशंस बढ़ते हैं तो आपके वीडियोस पे व्यूज भी बढ़ेंगे, और जब आपका वीडियो का कंटेंट अच्छा होगा और CTR अच्छा होगा तब जाके आपका वीडियोस वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले आपको इस सेटिंग को ऑन करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे चल के बताता हूँ कि उस सेटिंग कौन सा सेटिंग है, कैसे सेटिंग करना है, और उससे आपका वीडियोस को वायरल कैसे करना है। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अभी हमको इस वीडियो को बूस्ट करना है। मान लीजिए आपको इस वीडियो को बूस्ट करना है, 12 से 24 घंटे हो गए और इस वीडियो को बूस्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो पे चले जाना है, और वीडियो पे अगर आप क्लिक करते हैं और यहाँ वीडियो परफॉर्मेंस पे हम चले जाएंगे, और यहाँ जो रीच दिख रहा है आपको यहाँ पे रीच पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं YouTube सर्च टर्म्स यहाँ पे आपको दिखेगा, और इस पर आपको क्लिक कर लेना है YouTube सर्च टर्म्स पे, और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे सर्च टर्म्स हैं। और ये दोस्तों, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आपका वीडियो का जो है इंप्रेशंस बढ़ेगा और आपकी जो है रीच ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन आपका जो है वीडियो बहुत बेहतर होना चाहिए, वीडियो और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया क्लिक थ्रू रेट यहाँ पर आपको हमेशा हाई होना चाहिए, और जो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन है वो भी हाई रहेगा तब आपकी वीडियो वायरल होगी। और यहाँ पे आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो बूस्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे रीच पे हम चले जा रहे हैं, और यहाँ पे यूट्यूब सर्च टर्म्स पे हम चले जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब सर्च टर्म्स, ये जो सर्च टर्म्स है इसके वजह से जो है ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स इस वीडियो पे आए हैं। तो अगर इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्च टर्म्स हैं, मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, इतने सारे सर्च टर्म्स हैं। तो इस सबको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, या फिर अगर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हैं। अगर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड नहीं करने हैं तो यहाँ पे आपको जो टॉप पे दिखते हैं 5 या 10, उन कीवर्ड्स को आपको कॉपी कर लेना है या फिर आपको मैन्युअली टाइप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो कैप्शन जनरेटर फॉर वीडियो, तो इन सबको जो टॉप पे है इसको कॉपी कर लेना है, और इससे क्या होगा आपको मतलब ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आपकी वीडियो पे। तो उसको कॉपी कर लिया आपने, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये आप देख सकते हैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटेड सर्चेस करके मैंने लिख दिया है, आप ये लिख सकते हैं रिलेटेड सर्च या रिलेटेड क्वेरीज लिख सकते हैं। वैसे लिख के आपको यहाँ पे जो भी आपने कॉपी किया है वो सबको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड्स को पेस्ट कर दिया है। आपको ये 12 से 24 घंटे के बाद करना है, क्योंकि वीडियो अपलोड करते ही वहाँ पे जो है YouTube सर्च टर्म्स यहाँ पे नहीं दिखाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे हम जाते हैं तो ये जो YouTube सर्च टर्म्स हैं ये सब आपको एटलीस्ट 12 घंटे तक नहीं दिखाएगा। कभी कभी कुछ वीडियोस में लेट भी होता है, लेकिन 12 घंटे में आपको आ जाएगा। उसके बाद इनको कॉपी करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करना है, और भी आप देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी YouTube सर्च टर्म्स पेस्ट कर लिया। मैंने ज़्यादा थोड़ा पेस्ट किया है, आप थोड़ा कम ही कर सकते हैं पेस्ट। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी आना है, टैग्स पे आपको आ जाना है, नीचे टैग्स देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी जो भी आपने पेस्ट किया है इसमें अगर आपको लगता है कि ये जो भी टैग्स परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं ऐसे करके रिमूव कर सकते हैं, और जो आपने वहाँ पे यूट्यूब सर्च टर्म से लिया था उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अभी मैंने सेव ऑलरेडी मैंने कर दिया पहले से, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो देख सकते हैं आप इस पर कितना व्यूज़ है, 3.9K व्यूज़ है। तो ऐसे ही आपको हर वीडियोस में कर लेना है, और आपको वीडियो अपलोड करके ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपको ऐसे बूस्ट करते रहना है, आपको चेक करते रहना है आपकी वीडियो पे कि क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी एरो मार्क ऊपर की तरफ है, और यहाँ भी देख सकते हैं सभी एरो मार्क ऊपर की तरफ है, सिर्फ ये वीडियो में ये जो वीडियो है इसमें नीचे की तरफ है। तो मुझे यहाँ पे थंबनेल चेंज करके उसको ये करते रहना है, मतलब चेंज करते रहना। और मैं यहाँ पे आपको और भी वीडियोस पे दिखा दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉप रैंक कर रही है वीडियोस, तो उसमें भी आपको यहाँ पे मैं रीच में दिखा देता हूँ जाके।
यहाँ देख सकते हैं YouTube सर्च टर्म्स, यहाँ भी देख सकते हैं इतने सारे सर्च टर्म्स हैं जिससे कि हमारे वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं। तो हमें जो टॉप पे हैं उन सबको वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले जाके हमें वहाँ पे एडिट कर देना है और उसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं नोटपैड में लिख के और उसको आपको एंटर कर देना। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो एरो मार्क है हमेशा ऊपर की तरफ रहे या फिर ऐसे जो राइट दिख रहा है ऐसे रहे। अगर आपके एरो मार्क जो है डाउन में रहता है, मतलब नीचे रहता है, तो आपको चेक करते रहना है और आपको उसमें चेंजेस करते रहना है, थंबनेल चाहे टाइटल ऐसे चेंजेस करते रहना है, तो आपका वीडियो जो है रैंक करेगा। और दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।